أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا المؤيد بشيرنا المصدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة ولا أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات جشن عید میلاد النبی تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو میری جانب سے دلی مبارکباد اور ہمارے لیے اگرچہ یہی خوشی کتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو پروردگار عالم نے فقط اور فقط ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اس دنیا میں بھیجا لیکن ساتھ ساتھ اس خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب اسی تاریخ کو پروردگار عالم اسی حبیب کی اولاد میں اس امام معصوم کو بھی اسی دنیا میں بھیجتا ہے کہ جس نے رسول کے پیغام کو اس طرح سے عام کیا کہ اگر دین اسلام ہے تو مذہب جعفری یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس قوانین پروردگار کو ہم تک پہنچانے والا اور ان احکامات الہیہ کی سب سے زیادہ تشریح کرنے والا یہ دونوں ہستیاں اسی تاریخ کو اس دنیا میں آ رہی ہیں اور تاریخ ایک ہونے کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو ان دونوں سے پروردگار عالم کو جو اہم ترین کام لینا تھا ایک کے ذریعے احکامات خدا کو انسانوں تک پہنچانا دوسرے کے ذریعے ان احکامات خدا کی وہ تشریح جس کے لیے وہی زمانہ مناسب تھا جس میں وہ امام پیدا ہوا تو حکم کو پہنچانے والا بھی اور اس حکم کی تشریح کرنے والا بھی دونوں کا لقب ہی ایسا دیا گیا کہ جب تک کہ انسان کو اس لقب کی سچائی پر اور اس لقب پہ یقین کامل نہ ہو ان دونوں ہستیوں کی محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں معاذ اللہ حکم پہنچانے والا اگر ہمیں اس کی ذات ہی میں شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی اسی لیے اس کا لقب صادق اور امین قرار پایا
और इस तरह से सादिक व अमीन, ये मुसलमान नहीं, सारा आलम कुफर उस रसूल को सादिक व अमीन कहता रहा और समझता रहा। यहां तक शदीद तरीन मुखालिफत के बावजूद रसूल की सदाकत और अमानत को दिल से मानते रहे, वरना शब हिजरत वो अमानतें मौलाए कायनात को न दी जाती जो 13 साल की कुफार मक्का की मुखालिफत के बावजूद उन्हें काफिरों की जानिब से रसूल के पास रखवाई गई। और इसी तरह से इन अहकामात की जो वजाहत कर रहा, जो इन अहकामात और अहादीस की तशरीह कर रहा, यकीनत इस तशरीह को वही सुनेगा जो पहले रसूल पे ईमान ला चुका। तो मुसलमानों के नजदीक इस तशरीह करने वाले को सच्चा होना चाहिए, इसलिए परवरदिगार ने भी 12 इमामों में से अगर सादिक का लकब मुकर्रर किया तो उसी इमाम मासूम के लिए कि जिसके जिम्मे अपने जद के पहुंचाए हुए पैगाम की तशरीह और वजाहत थी। और यही वजह कि जिस तरह वहां काफिर पैगंबर के ऐलान रिसालत के बावजूद और सख्त तरीन दुश्मनी के बावजूद सादिक और अमीन मानकर अपनी अमानतें उसी रसूल के पास रखवाते रहे, यहां भी आलम इस्लाम अहले बैत से हर मुमकिन दुश्मनी के बावजूद जब अहकामात की वजाहत का वक्त आता तो इसी सादिक इमाम के पास आता रहा। और यही वजह कि आज आलम इस्लाम के जितने भी फिकही मकातिब फिक्र हैं, कहीं ना कहीं से उनका सिलसिला हमारे इसी इमाम मासूम तक पहुंच जाता। बल्कि बाद शख्सियतों ने, मसलन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि लौला सनतान लहलकन नुमान, अगर वो 2 साल मेरी जिंदगी के न होते जो मैंने इस इमाम मासूम की शागिर्दी में गुजारे तो मैं हलाक हो जाता। और अगर बास उलमाए इस्लाम मिस्ल इब्ने तेमिया ने इस कौल को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी ने लिख दिया कि ये इब्ने तेमिया की जसारत और गुस्ताखी, वरना कहां वो इमाम मासूम और कहां तमाम तर अजमत के बाद इमाम अबू हनीफा। तो अब देखिए ये आज की रात एक ऐसी रात कि जो जश्न ईद मिलादुन नबी, वो नबी और ये इमाम, तारीख विलादत यकसा, लकब और ऐसा लकब के जिसकी वाकान जरूरत थी उसकी तबलीग नबूवत में भी और इन इमाम की तबलीग इमामत में भी। लेकिन इससे पहले कि हम जो आज के इस जश्न के मुनासिबत से मौजू सोचा गया इसकी तफसील में जाए, बतौर तमहीद एक बात का बयान कर देना इंतहाई जरूरी है। हर एक को मालूम है कि मेरा अंदाज तकरीर और मेरा अंदाज गुफ्तगू क्या होता। मैं कभी भी इस बात का कायल नहीं कि नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, ये जश्न आए, ये महफिलें हों, वो मीलाद मनाए जाएं, वो शहादत की मजालिस में शरीक हों, खाली बैठें बात करें और उठ जाएं, नहीं, जिस अजीम मकसद के लिए इन शख्सियतों ने बाकी सारी जहमतों के अलावा यही सबसे बड़ी जहमत बर्दाश्त की कि इस दुनिया में आ गए। ये याद रखिए कि जहां 17 रबीउल अव्वल को इस रसूल का हमारे दरमियान आना हमारी खुशकिस्मती बना, हमारे लिए इस कायनात की सबसे बड़ी ईद बना, हमारे लिए सबसे ज्यादा सबब रहमत बना, मगर यह भी तो सोचिए कि उस रसूल ने यह कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि इस दुनिया में आना और इन इंसानों के दरमियान आना कबूल कर दिया। इसलिए कि अर्शे बरी पे रहने वाला जो इस फर्शे जमीन पे आ रहा और इस माहौल में जिंदगी गुजार रहा, यह आसान नहीं। जो अल्लाह के रसूल की अजमत, जो अल्लाह के रसूल के बारे में हमारे पास रवायतें कि ये वो नूर जो खिलकत आदम से भी लाखों साल पहले खल्क करके कायनात में अर्श बरी पे कुर्सी इलाही के करीब रखा गया और फिर इसे इस दुनिया में भेजा जा रहा, हमें और आपको अगर जानवरों के दरमियान बंद कर दिया जाए तो जो हमारी कैफियत होगी उससे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान है रसूल और इमाम का इन इंसानों के दरमियान रहना, जो ना सही मारिफत हासिल कर पा रहे हैं और न ही
किरदार के एतबार से किसी तरह इन शख्सियतों के करीब हो रहे हैं। चुनाचे आपको मासूमीन में से बास के हालात में यह मिलेगा कि कभी कभार तन्हाई को महसूस करके, तन्हाई से क्या मतलब, शहरों में और हजारों मुसलमानों के दरमियान, लेकिन ऐसा इंसान कि जो इनके रुतबे को महसूस कर सके ऐसा कोई नहीं, तन्हाई को महसूस करके इमाम मासूम का सीना फटने लगता। वो जंगल में जाते हैं, कुएं में मुंह डाल के गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये वाकयात बहुत मशहूर जनाब मीसा में तम्मार के हालात में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमाम मासूम ने यह फरियाद की कि बाज़ औकात इन इंसानों के दरमियान रह के जब्त करना और सब्र करना मुश्किल है। तो अल्लाह के रसूल का हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान आना और अपनी जिंदगी के ये 63 साल गुजारना हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं और उनके लिए इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कि उस नूरी महफिल में रहने वाले हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान अपनी जिंदगी को गुजारना कबूल किया। परवरदिगार आलम इसीलिए एक मंजिल पर ऐलान कर रहा, वलकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, याद रखो अल्लाह ने यह एहसान किया इस बासा फीहिम रसूला कि अपने रसूल को इनके दरमियान भेजा। और वो रसूल भी कैसा, सूरह मुबारका तौबा की आखिरी आयतों में से एक आयत जिसकी मैंने आज तिलावत की, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक रसूल आया है तुम्हारे दरमियान, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, जब तुम किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तिला होते हो तो उस पर यह बड़ा गरा और भारी गुजरता, तुम्हारी तकलीफ को देख के वो बेचैन हो जाता, तुम्हारी परेशानियों को देख के उस पर जहमत का वक्त आ जाता, और हरीसुन अलैकुम, क्या सिफत रिसालत बताई जा रही, हरीसुन अलैकुम, ये लफ्ज हरीस माजल्ला लालची के माने दे के उर्दू जबान में जरा बुरे मफहूम रखता, लेकिन अरबी में इसका मफहूम कुछ मुख्तलिफ। हरीसुन अलैकुम इस वक्त तफसीर में जाने का मौका नहीं, अगर तकरीर के अगले मरहले में गुंजाइश हुई तो जरा वजाहत की जाएगी, लेकिन फकत आयत का तर्जमा, तुम्हारी सहमतें और परेशानियां उसको परेशान कर देती और हरीसुन अलैकुम तो तुम पर इंतहाई हरीस है, उसे तुम्हारी हिदायत का इंतहाई शौक, वो चाहता है कि किसी तरीके से ये इंसानियत हक के रास्ते पे आ जाए। बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम, और उसकी खास सिफत ये कि साहिबान ईमान पर वो मेहरबान और रहीम है। रसूल के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो परवरदिगार आलम का अपना लफ्ज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो अल्लाह जो रहीम, और रसूल के लिए ऐलान हो रहा है कि बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम, जो परवरदिगार का अपना लकब है, जो खुदा की अपनी सिफत, कहा गया कि हमारा हबीब भी इसी तरीके से साहिबान ईमान पर रहीम, रहमत नाजिल करने वाला। और यही वजह कि खुदा ने कभी भी रिसालत के बारे में वो तस्वुर कुरान में दिया ही नहीं जो इस सदी में, खुदा मालूम कहां से आ गया, नहीं ये तो मैंने गलत कहा, कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि ये कहां से आया। पहली आलमी जंग खत्म हो चुकी, बरतानिया की पार्लियामेंट का हंगामी इजलास हो रहा, और इस इजलास में इस मसले पर डिबेट है या बहस की जा रही कि इस पहली जंग का नतीजा क्या और आइंदा इस किस्म की जंगों से बचने का तरीकाकार क्या, इसलिए कि तकरीबन एक सदी की सारी इस दुनिया में बिला शिरकत गैर इख्तदार के बाद पहली मरतबा यह बरतानिया की शहंशाहियत को किसी ने चैलेंज किया था, अगरचे उन्हीं में से कोई खड़ा हुआ था, कोई मुसलमान मुल्क सामने नहीं आया था, तुर्की ने सिर्फ जर्मनी की कुमक और मदद की थी, लेकिन बहस हो रही कि आखिर बरतानिया जो उस वक्त तक सारी दुनिया पे इस तरीके से कब्जा कर चुका था कि अगर दूसरे यूरोपीय ममालिक ने भी कहीं कहीं पे कब्जा कर रखा था मगर सब ये मान लिया था कि इसके मुकाबले में कोई मुल्क नहीं, ये चैलेंज उसके लिए कैसे पेश आया, ये पहली आलमी जंग कैसे हुई, आइंदा इस खतरे को रोकने का तरीका कार क्या,
तो उस वक्त का बरतानवी वजीर आजम लॉयड जॉर्ज खड़े होकर जो दो या तीन नुक्ते बयान करता, उनमें से एक उसका पॉइंट यही था कि जब तक के मुसलमानों में एहतराम रिसालत का जज्बा बाकी, उस वक्त तक हमेशा हमारे लिए खतरा मौजूद। अगर किसी तरीके से आलम इस्लाम से एहतराम रिसालत को खत्म कर दिया जाए और किसी तरह से मुसलमान के जहन में यह ख्याल पैदा कर दिया जाए कि रसूल भी हमारा जैसा एक इंसान, रिसालत अगर कभी थी भी तो अब उसका काम खत्म हो चुका। अगर यह वो नुक्ता जिस पे सारे मुसलमान आके जमा हो जाते, हजारों इख्तिलाफात के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे में कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा हुआ, किसी तरह इसी जात रिसालत जो उनकी अजमत और मंजिलत उससे गिरा गया, और फिर इसी एतबार से काम शुरू हो गए। और देखिएगा आप कि जैसे जैसे 1918 से 1995 का जमाना आया और आलम इस्लाम में ऐसे फिरके बने जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की अजमत को कम करना चाहा, तो नतीजा यही निकला कि आलम इस्लाम टुकड़े टुकड़े होने लगा, आलम इस्लाम बिखरने लगा, आलम इस्लाम खुद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। यह ज़ात रिसालत जिसने 1350 साल तक मोतियों की लड़ी की तरह सारे मुसलमानों को पिरोया हुआ था एक अकीदे के अंदर, और वो है रिसालत का अकीदा। जैसे ही इस रिसालत के अकीदे को घटाकर हमारे और आपके लिए एक आम इंसान बनाया गया रसूल को, वैसे ही ये सारी फिरके वारियत की बातें, ये सारा आपस में इख्तिलाफ का मसला, ये सारा एक दूसरे को दुश्मन और काफिर करार देने के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगे। और ये भी एक वजह कि इस्लाम ने बिल्कुल शुरू दिन से ही एक बात का ऐलान कर दिया कि देखो हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, शान रिसालत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, शान रिसालत में कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रसूल जो पैगाम लेके आए, उस पैगाम का बुनियादी नुक्ता यह कि शिर्क काबिल बर्दाश्त नहीं है, बाकी हर गुना माफ हो जाए। अल्लाह का रसूल जिस अल्लाह का पैगाम ला रहा, शिर्क काबिल बर्दाश्त नहीं, और वही अल्लाह जिसकी तौहीद के बारे में रसूल यह ऐलान कर रहा, वो अल्लाह अपने रसूल की जात के बारे में यह ऐलान कर रहा कि मैं सबको बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपने हबीब की शान में गुस्ताखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कितनी अजीब बात कि एक नमाज आप पढ़ते हैं, इसके बेशुमार मसले, 400, 500, 1000, 2000 मसले, एक रोजा आप रखते हैं, 1000, 2000 मसले इस रोजे के बारे में हो जाएंगे, एक हज आप करते हैं, 500, 1000 मसले इस हज के बारे में। ये सारी इबादतें कि जिनकी इतनी तफसीलात, कुरान एक एक दो दो पांच पांच आयतों में इनका जिक्र करके आगे बढ़ जाता, यह जरूर कहता है कि नमाज कायम करो, तरीका नमाज नहीं बताता, और अगर कहीं बताता भी है तो तफसील में गए बगैर एक इशारा कर दे। यकीनन रोजे की ताकीद आती लेकिन बहुत ही मुख्तसर, चार या पांच आयतों में मसला मुकम्मल। यकीनन हज का हुक्म आता लेकिन जितनी तफसीलात हज में उसके मुकाबले में, कुरान में हज का तस्किरा उसके उशूरे अशीर के बराबर भी नहीं, लेकिन जब ज़ाते रिसालत की बात आती, कुरान हर मसले की तफसील में खुद जाता। रसूल से बात करने का तरीका क्या, खबरदार इस तरह बात ना करना जैसे एक दूसरे से बात किया करते हो, रसूल के साथ चलने का तरीका क्या, खबरदार तुम्हारे कदम रसूल से आगे ना बढ़ने पाए, रसूल को पुकारने का तरीकाकार क्या, रसूल के घर में जाने का तरीकाकार क्या, रसूल के पास बैठने का तरीकाकार क्या, एक एक चीज कुरान तफसीलात में जा रहा, जबकि हर एक को पता कि कुरान अहकामात की तफसील में नहीं जाता, क्योंकि वाजे करना था कुरान को पहले दिन कि माजल्ला रसूल एक आम कासिद या जो कुछ मुसलमानों ने कहा एक आम डाकिये की मानिंद नहीं। यह कहा गया रसूल के बारे में कि भाई रसूल की क्या हैसियत, यही तो है कि जैसे कासिद या डाकिये का काम होता, वहां से पैगाम लाए
हमें दे दिए, ये है तुम्हारे लिए खुदा का हुक्म, चले गए खुदा हाफिज। अब हम जाने और अल्लाह जाने, कुरान ने कहा कतअन नहीं। रसूल को माज़अल्लाह, एक पोस्टमैन, एक डाकिया, एक मैसेंजर, एक पैगाम पहुंचाने वाला न समझना, वरना ये सारी तफसीलात ना आती। और ये बिल्कुल शुरू में वाजे हुआ, अंदाजा करें इस बात से कि अगर मैं आपके सामने किसी आदमी का तस्किरा करूं और कहूं कि खबरदार उस आदमी की तरफ तवज्जो भी ना दीजिएगा, झूठा पस्त है, जलील है, चुगलखोर है, गीबत करने वाला कंजूस है, हद से तजावुज करने वाला गुनाहगार है, जात इसकी खराब है, हलाल की औलाद भी नहीं। अब मैं कहता चला जा रहा हूं एक आदमी के बारे में, आप भी हैरत सदा हो जाएंगे कि क्या हो गया है मौलाना को। चले, अगर कोई ऐसा आदमी है जो माशरे के लिए खतरनाक, एक आध जुमला कह दिया जाए, ये तो माजल्ला सुम्मा माजल्ला ऐसा लग रहा कि उसके खिलाफ गालियों का एक सिलसिला बांध दिया गया। एक आदमी की बात मैं कर रहा हूं, ये खबरदार उसके पास न जाइए, झूठा, चुगलखोर, बकील, कमजात, बदजात, हरामजादा, गीबत करने वाला, कंजूस, तजावुज करने वाला, गुनाहगार। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि यह कुरान की आयत है जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया, ये सब कुरान कह रहा और एक आदमी के बारे में कह रहा, वला तुत कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल बाद ज़ालिक ज़नीम व इन कान ज़ा मालिन व बनीन। यह कुरान की आयत जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने पढ़ा, तो शायद एक आम इंसान समझ भी ना पाए कि ये मौलाना किसके पीछे इस बुरी तरह पड़ गए कि दुनिया की हर खराबी उसमें निकाले दे रहे हैं। लेकिन ये कुरान, वाला तोते, खबरदार दबना नहीं, डरना नहीं, इताअत ना करना, तवज्जो ना देना उसकी के जो हल्लाफ इन कसमें खाने का दी, महीन इन पस्त है, जलील है, हम माजिर वैलुन ले कुल्ले होमजत इल्लो मजा, जो चुगलखोर है, मशाइन बे नमीम गीबत करने वाला, मन्नाइन लिल खैर कंजूस और बखील, मोतदिन हद से बढ़ने वाला, असीम इन गुनाहगार, उतुल इन बदजात है, बाद अजाले का जनीम हलाल तरीके से पैदा भी नहीं हुआ, वह इनका नजा मालिन व बनी, चाहे दुनियावी एतबार से कितना ही मालदार और कितनी ही उसकी औलाद। पुराने जमाने में बल्कि अभी भी जहां जहां कबायली निजाम मौजूद, मसलन हमारे मुल्क के कुछ इलाकों, जिसकी औलाद ज्यादा हो वो ज्यादा ताकतवर, यानी चाहे वह कितना ही मालदार और ताकतवर क्यों ना हो, अरे ये है कौन कि इस तरह का तस्किरा तो कुरान बड़े से बड़े किसी दुश्मन खुदा का भी नहीं किया। फिरौन के बारे में ऐसी आयतें नहीं आई, नमरूद के बारे में इस तरह से तस्किरा नहीं हुआ, शद्दाद जो अपने आप को खुदा कहलवाता है कुरान ने इस तरह से बात नहीं की। ये कौन आदमी क्या कुरान एक नहीं दो नहीं मुसलसल उसकी बुराई पर बुराई किया जा रहा, अब बुराई भी किन अल्फाज में, यह नहीं कहा कि वह गुमराह, यह नहीं कहा कि वह हक से हट गया, यह नहीं कहा कि वह हमारा पैगाम नहीं मानता, बदजात है, कमीना है, जलील है, हलाल की औलाद नहीं, यह कुरान के अल्फाज और उस सूरे में है जो बिल्कुल शुरू में नाजिल हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम, सूरह नून वल कलम। उलमाए शिया के नजदीक यह कुरान का तीसरा सूरा, तीसरा, और तीसरा भी इस तरह से कि पहले दो सूरे तो एक ही दिन नाजिल हुए, और उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक यह कुरान का दूसरा सूरा, वो तो और ज्यादा इसको करीब कर देते हैं ऐलान रिसालत। बहरहाल दूसरा या तीसरा 114 सूरों में, जबकि बहुत सारे सूरे तो पूरे पूरे एक वक्त में नाजिल भी नहीं, 300, 400, 500 वही, ये दूसरी या तीसरी वही, किस आदमी ने क्या कर दिया, क्या ऐसा लग रहा है कि आज खुदा जलाल के आलम में आ गया। इस अंदाज से किसी मुशरिक का तस्किरा नहीं हुआ, इस अंदाज से अपने आप को खुदा कहलवाने वाले किसी का जिक्र नहीं हुआ जिसको ये अलकाब दिए गए।
یہ سلیل ہے، پست ہے، بدفطرت ہے، کمینہ، یہ ایک آدمی کا تذکرہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل کی بات نہیں، ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ نے کون سی ایسی بات کہی جو ابو جہل کی بات سے بھی آگے بڑھ گئی؟ کہا صرف ایک بات تھی کہ عرب کا وہ پہلا انسان جس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ رسول پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی شان میں گستاخی، جنہوں نے کہا کہ رسول شاعر۔ بہرحال وہ بھی اس طرح کا توہین والا فقرہ نہیں، جنہوں نے کہا کہ رسول جادوگر، یہ بھی اتنا توہین والا فقرہ نہیں، جس نے کہا رسول معاذ اللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون۔ قرآن نے کہا اچھا تم نے میرے رسول کی ذات کے بارے میں لبکشائی کی، تم نے شان رسالت میں گستاخی کی، باقی ہر ایک کو برداشت کر لیا جائے گا، شان رسالت کا مجرم نہیں بخشا جائے گا۔ پہلے ہی آغاز اسلام میں ہی یہ اعلان ہو گیا کہ اس نے ایک بات کہی، قرآن نے 7-8 باتیں پلٹ کے اس کے منہ پہ مار دی، کیونکہ یہ الزام شان رسالت میں گستاخی۔ ساحر اور شاعر کا الزام بھی شان رسالت میں گستاخی نہیں، جو توہین اس لقب میں، جو توہین اس لفظ پاگل میں جھلک رہی، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور آج تک باقی۔ ہر مجرم قابل برداشت ہے، اگرچہ اعلان ہوا مشرک بخشا نہیں جائے، لیکن بہرحال اس دنیا کی حد تک قابل برداشت ہے شان رسالت میں گستاخی کرنے والا، کیونکہ آج یہ مسئلہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ اور شان رسالت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ میں ایک منزل کے بعد آتا ہوں۔ شان رسالت کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے۔ چونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں جن سب کو سمیٹ کے یہ بھی چاہوں گا کہ اس جشن کا ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ یہ خود ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت ہو رہی۔ 1400 سال پہلے ولید ابن مغیرہ سے لے کر آج اس 14ویں صدی کے اندر گستاخ شان رسالت کی توہین کرنے والا جو نظر آتا، اور پھر جتنا بڑا ہوتا اس سے بھی فرق پڑ جاتا۔ ایک آدمی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی سزا ملے گی اور اسی تک محدود رہے گی، پر ایک آدمی انکان زامال و بنی، دولت اور طاقت کے نشے میں چور، شان رسالت میں گستاخی کرتا، اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ ساری دنیا دیکھے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، 90-91 کا زمانہ، بیٹھے بیٹھے ایک ایسی تبدیلی آئی جس کے پیچھے یقیناً کچھ مغربی طاقتوں کا اپنا ہاتھ تھا، لیکن جس کے لیے یہ تبدیلی آئی تھی وہ اس وقت سے آج تک حیران ہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ اور وہ تھا مثلا کویت کے امیر کا ایک دم سے تختہ پلٹا جانا، ایک ایسی چیز کہ جس کے اثرات اور جس کے نتائج بہت سارے ہمارے سامنے آئے، لیکن ایک بات اتنی غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا سیاست مدار بھی اس واقعے سے ایک ہفتے پہلے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ ہو جائے۔ ایسی چھوٹی موٹی ممالک کے اختلاف کی باتیں تو آتی رہتی، لیکن ہم نوالا اور ہم پیالہ، جن کو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کہا جائے، اختلاف محاورے کی بنیاد پر ان کا آپس کا ایسا اختلاف، سمجھ میں کسی کے نہیں آیا۔ اور کس طرح وہ بھاگا، ملکوں کے تعلقات مجروح نہ ہونے پائیں، بہت سی چیزیں تو پاکستان کے اخبارات نے شائع بھی نہیں کی، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس تفصیل میں جانے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے فرار اختیار کرنا پڑا، کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ مغربی دنیا کی اخبارات نے تو مزے لے لے کے چٹپٹی کہانیاں شائع کی تھی، اور جس انداز سے بھی عراقی فوجیں داخل ہوئیں اور اس کے حرم پہ قبضہ کیا گیا تھا، بھاگا اس طرح سے بھاگا کہ اپنے سارے محل کی خواتین کو چھوڑ کے جانا پڑا، اور جو کچھ ہوا اس کے بعد، اب مجھ سے نہ پوچھئے، صاحبان عقل کے لیے اشارے کافی۔ یہ ذلت، یہ توہین، یہ رسوائی، مغربی دنیا میں تو بہرحال کتنے ہی ایسے اخبارات ہیں جو اس قسم کی چٹپٹی خبریں بہت نمک مرچ لگا کے مزے سے چھاپتے ہیں، تو جس انداز سے کویت کی شاہی خاندان کی خواتین کا تذکرہ وہاں چھپ رہا تھا، حیرت زدہ تھی دنیا کہ یہ بیٹھے بیٹھے ایسا انقلاب کیسے آئے۔ لیکن جب کچھ عرصے کے بعد تحقیق کی گئی تو معلوم ہے کہ کیا حقیقت سامنے آئی،
जिस इदारे ने, जिस पब्लिशिंग एजेंसी ने सलमान रुश्दी जैसे तौहीन रिसालत के मुजरिम की किताब छापी थी, सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात, अगरचे उसका नाम पेंगुइन हरेक के इल्म में, लेकिन खुद यह इदारा एक और इदारे की मिल्कियत में था और उस दूसरे इदारे के 60% से ज्यादा शेयर अमीर कुवैत के पास थे। एक मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला और उसके पास 60% से ज्यादा शेयर थे उस इदारे के, जिस इदारे से तौहीन रिसालत का इतना बड़ा जुर्म आलमी पैमाने पे हो रहा। वहां वलीद इब्ने मुगैरा ने शान रिसालत में गुस्ताखी की, नून वल कलम के सूरे ने उसी वक्त कह दिया खबरदार, अल्लाह दुनिया की हद तक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, शान रिसालत के मुजरिम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितना बड़ा मुजरिम होगा उतना ही उसका दर्दनाक और जिल्लत वाला अंजाम होगा। अगर एक छोटे पैमाने का आदमी, उसकी जिल्लत और रुसवाई उसके घर तक रहेगी। और अगर वलीद इब्ने मुगैरा की तरह अरब का माना हुआ सरदार या एक गल्फ की रियासत का सरबरा जो सारी दुनिया में तौहीन रिसालत का सबब बना, तो इतनी ही जिल्लत और रुसवाई के साथ उसको भी इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाएगा। देखने वाले के लिए वलीद इब्ने मुगैरा से लेकर सैटेनिक वर्सेस नामी किताब के छापने वाले अमीर कुवैत तक के हालात एक दलील बन रहे हैं कि परवरदिगार आलम शान रिसालत के गुस्ताख को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और जैसा कि मैंने इसकी वजह पहले बता दी, इसे दोहराना जरूरी, और वो इसलिए कि ये सारी उम्मत मुस्लिमा अगर किसी एक नुक्ते पे मुत्तहिद और मुत्तफिक है तो वह रसूल की जात। एक मरतबा जात रिसालत को खतरे में डाल दिया गया, ये सारी उम्मत जो वैसे ही मुख्तलिफ इख्तिलाफात का मजमुआ, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा अरब भी हैं और अजम भी, अगर रसूल को दरमियान से निकाल दी तो अरब और अजम का इख्तिलाफ इतना पुराना जितनी खुद इनकी तारीख, आज भी तलवार चलेगी और खून की नदियां बह जाएंगी। इस उम्मत मुस्लिमा में काले भी हैं और गोरे भी, अगर जात रिसालत को दरमियान से उठा दी तो इसके बाद यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज मजहब जिसे कहा जाता है यहूदी, बहुत महदूद, बहुत ही ऑर्गेनाइज, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलकर काम करते हैं, मगर यहूदियत तक में यह उसूल मौजूद कि गोरे यहूदी के बराबर काला यहूदी नहीं हो सकता और यूरोपीय यहूदी के बराबर एशियाई यहूदी नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि हम तो खुद उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा, इसलिए हमें नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है और कितने इख्तिलाफात। मैं एक मोमिन के साथ बैठ के जा रहा था, ये लंदन का वाकया और इसी साल का वाकया, अभी तकरीबन एक महीना भी नहीं हुआ जब यह जुमला मैंने सुना। यह भी अल्लाह का एक एहसान कि हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफात के बावजूद अल्लाह ने हमारी इतनी इज्जत रखी हुई। उसका एक यहूदी दोस्त मिल गया जो मोमिन मेरे साथ जा रहा, बुनियादी तौर पर दारुसलाम का एक मोमिन, आजकल लंदन में सेट, और बातें होने लगी। बहरहाल इतने सालों आने जाने की बिना थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि क्या कहा जा रहा। उस यहूदी ने एक अजीब बात कही, उसने कहा कि आप मुसलमान कितने खुशकिस्मत कि आप इतने मुत्तहिद, हम यहूदियों की हालत देख लीजिए, हर यहूदी दूसरे को काफिर समझ रहा। देखिए, हमारे पास एक तसव्वुर है ना कि यहूदियों से ज्यादा ऑर्गेनाइज और एक दूसरे की मदद करने वाला कोई मजहब नहीं। इतना तो मुझे पहले से मालूम था कि काला यहूदी और गोरा यहूदी इसके स्टेटस में फर्क, और एशियाई यहूदी और यूरोपीय यहूदियों के स्टेटस में फर्क, और इतना मुझे मालूम कि इसराइल में अंदरूनी एतबार से इस वक्त ये बड़ा मसला खड़ा कि हर वो जगह जो खतरे की है वहां पे काले यहूदी को भेजा जाता, जो अभी बस्तियां आबाद की जाती जिसके बारे में खतरा है कभी भी जंग हुई तो ये सबसे पहले तबाह हूं, सारे काले यहूदियों को वहां भेजा जा रहा, यह मुझे मालूम। लेकिन वो गोरा यहूदी अब गोरों के बारे में बता रहा कि अरे हमारे दरमियान तो इतना इख्तिलाफ कि हर यहूदी खानदान की निगाह में दूसरा यहूदी खानदान काफिर। आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि मुत्तहिद।
और उसे हमारा इत्तेहाद क्यों नजर आ रहा? फकत ज़ात रिसालत के हवाले से, क्योंकि ये वो तारीखें थी कि जब यूरोप बुज़निया के मसले की बुनियाद पर सारे मुसलमान एक जगह आके इकट्ठा हुए, इनकी रैलीज हो रही, इनके जलसे हो रहे, और फिर ये ईद मिलाद का जो सिलसिला शुरू हुआ, सारे मुसलमान एक जगह पे मुत्तहिद, तो मीडिया के हवाले से ये साफ लग रहा था कि मुसलमानों में आपस में इतना इत्तेहाद। ये याद रखिए, हम आपस में इख्तलाफात को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे मजाहब को जाके देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जिस मजहब में एक दूसरे के लोग करीब हैं वो इस्लाम का मजहब, और वह सिर्फ ज़ात रिसालत। हमारा जो एक दूसरे को जोड़ने वाला अकीदा है वो रिसालत का अकीदा, क्योंकि कुरान का अकीदा रिसालत के अकीदे का एक जुज। अगर रसूल ही को अलग अलग बना लिया जाए तो माजल्ला कुरान की हैसियत मजरूह हो जाती। काबे की अहमियत भी रिसालत की वजह से, रसूल का अकीदा। चुनाचे आज से तकरीबन 80 साल पहले लाइड जॉर्ज ने अगर बरतानिया की पार्लियामेंट ये कहा था कि जब तक शान रिसालत को कम ना किया जाए बरतानिया को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, वो यही नुकता था कि ये मुसलमान आपस में कितने ही इख्तलाफ क्यों ना हो, रसूल का नाम आता है हाथ में हाथ डाल के एक जंजीर बन जाते। दुनिया के किसी मजहब में यह खसूसियत मौजूद नहीं। यहां तक हमारे लोग, हमारे बच्चे और जवान जिन यहूदियों से इंतहाई मुतासिर, उनकी भी यह हालत है कि एक दूसरे को काफिर करार दे रहा। तो आलम इस्लाम, जब कभी बाहर के दुश्मन ने हमें नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसका पहला तरीका यही है कि मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करो, और इसके लिए पहला तरीका यह कि रसूल के अकीदे को बदलो। एक फिरके के पास रिसालत का अलग अकीदा हो जाए और दूसरे फिरके के पास अलग अकीदा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता इनके रसूल को अलग बना दो, आहिस्ता आहिस्ता इनके पास नाम एक रहे, ज़ात रिसालत में फर्क पड़ता चला जाए। और यही वजह कि कुरान अभी तौहीद की तफसीलात को बयान नहीं किया। मैं कहता हूं अपने बच्चों से कि जो बात आप सुने तो खाली सुने नहीं, कुरान में जाके चेक करो। पहली वही इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़, तौहीद की कोई तफसील नहीं आई। दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर, तौहीद की कोई तफसील नहीं आई। और तीसरी वही कि शान रिसालत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। अभी तौहीद की तफसील भी नहीं आई जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा, मगर तौहीन रिसालत करने वाले को बर्दाश्त न किया जाए। यह पैगाम इसीलिए दिया गया कि जब तक एक रसूल के मानने वाले, उस वक्त तक हजारों इख्तलाफात के बावजूद मुसलमान एक ताकत, मुसलमान एक कुव्वत, मुसलमान को देख के आलम कुफर परेशान। और शायद आप में से कई लोगों के लिए यह बात नहीं कि इस वक्त सारी कोशिशें की जा रही कि इस्लाम का खात्मा किया जाए, बल्कि अमेरिका के एक इंतहाई मशहूर, अगरचे यहूदी हाथ में खेलने वाले बल्कि यहूदियों ही के इदारे से छपने वाले रिसाले, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड फेम टाइम्स साले गुज़श्ता के एक आर्टिकल तारीख भी दे दी है। पहले तो उसने तफसील लिखी कि कम्युनिज्म खत्म हो गया, और रिचर्ड निक्सन मरने से पहले जो आखिरी किताब छपा गई उसमें वो ये कह कर गए, क्या यूरोप के रहने वालों समझ जाओ कि कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अब हमारे लिए सिर्फ एक खतरा बाकी रह गया जो हमें दुनिया के इख्तदार से रोक सकता, वरना हम दुनिया के मालिक बन गए, मगर सिर्फ एक चीज, ये हमारे लिए आखिरी लेकिन हमारी तारीख का सबसे बड़ा थ्रेट और चैलेंज है। आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं, लेकिन ये आखिरी को मामूली ना समझना। अब वो है इस्लाम। अच्छा, रिचर्ड निक्सन के जुमले नकल करने के बाद और निक्सन के यहूदी मुशीर कैसिंगर की तस्दीक के बाद, यानी उसके अपने नजरियात के बाद, और बरतानिया के वली अहद, जरा देखिए माहौल, बेचारे प्रिंस चार्ल्स सिर्फ इतना कहा था कि आए मगरबी दुनिया जरा इस्लाम को समझने की कोशिश तो करो, तो आज उसके बारे में यह बात मशहूर हो रही कि इसे अपनी मां के बाद हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसके बेटे को बादशाह बना दो। क्यों? इसलिए कि यह दिल से मुसलमान हो चुका, यह छुप के कलमा इस्लाम पढ़ चुका। एक तकरीर खाली उसने पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की कि इस्लाम को समझो तो, बगैर पढ़े बगैर समझे इतराज क्यों कर रहे,
और पैगंबर इस्लाम की सीरत के दो तीन हवाले दिए थे कि मेरी समझ में नहीं आता। वो कह रहा कि जिसकी सीरत ये बता रही उसके मानने वाले टेररिस्ट या खून कैसे बहा सकते हैं किसी को। आज सबसे बड़ा इल्जाम मुसलमानों पे यही, और बाद ऐसे नामनिहाद मुसलमान हैं जो दुश्मनों के इस इल्जाम को साबित करने के लिए उनके हाथ पे खेलते हुए खून बहाते भी। लेकिन उसने नुक्ते की बात बयान की बरतानिया के क्राउन प्रिंस कि इनसे हमारा क्या ताल्लुक। रसूल की सीरत को पढ़ो, जिस रसूल के पास रहमत का ये तसव्वुर, ये कैसे मुमकिन है कि उसके मानने वाले टेररिस्ट कहा कि मुसलमान हो गया, इसने छुप के इस्लाम कबूल कर लिया। हमें जरूरत ही नहीं, अब तो ये खुद इतना बूढ़ा हो गया कि इसके बेटे विलियम को बना दो बादशाह, ये तो हमारे लिए खतरा होगा। टाइम्स मैगजीन इन तमाम चीजों का इहाता करते हुए और वो ये लिखता कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लाम, और उसने कहा कि ये इतना बड़ा खतरा, तफसील तो नहीं लिखी लेकिन जुमला देखिए उसका कितना प्यारा, ये इतना बड़ा खतरा कि जो बरतानिया की बादशाहत और बरतानिया के शाही महल में नकब लगा के पहुंच चुका, इतना बड़ा खतरा हमें इसका मुकाबला करना। और फिर उसने एक अजीब तस्वीर पेश की है, यहां पे अक्सर वो लोग जिनका मगरबी दुनिया में आना जाना रहता, चुनाच आपको पता है कि आज सारे वेस्टर्न मीडियम एक ही शोर है, 5 साल बाद क्या होगा, यानी एक किस्म का तजस्सुस है, एक किस्म का जोश है, एक किस्म का एक्साइटमेंट है। जब 6 साल के बाद सेंचुरी बदले, 19वीं सदी खत्म होगी, 20वीं सदी खत्म होगी, 21वीं सदी शुरू होगी, उस वक्त क्या होगा, एक जोश है लोगों में, एक नई चीज उनको नजर आ रही। अच्छा तो आप वो लोग, ये टाइम्स मैगजीन का एक आर्टिकल है, बहुत ही कीमती आर्टिकल है, वो लोग एक तरफ ये लिखते हैं कि जब हमारी 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, ये 1901, सारा आलम इस्लाम गुलाम था, एक मुल्क भी आजाद नहीं था, ईरान और अफगानिस्तान ये दो मुल्क ऐसे थे जिनमें बजाय बाहर की कोई ताकत नहीं आई थी, लेकिन ये चारों तरफ से इस तरह घिरे कि अपनी पॉलिसी बनाने में ये भी आजाद नहीं थे। वरना इंडोनेशिया और मलेशिया पे ये हॉलैंड या नीदरलैंड हुकूमत कर रहा, लीबिया और अलजायर पे तुर्की का कब्जा, लबनान और शाम के इलाके में फ्रांसीसी फौजें पलाव डाले हुए, और हमारे सारे ममालिक तो हैं बरतानिया के कब्जों में। और ऐसा लग रहा सन 1901 में कि इस्लाम और इस्लामी ममालिक इतने मुर्दा हैं कि अब सदियों तक ये बेदार नहीं हो सकते। और उसने लिखा 1995 आगे, न सिर्फ ये कि अब कोई मुसलमान मुल्क गुलाम नहीं, बल्कि हर जगह के अवाम भी उठ गए। ठीक है, अलजजायर में हुकूमत उनकी होगी जो बरतानिया और अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, हो सकता है बाकी ममालिक में अवाम बेदार हो गए। कहा ये 95 साल में देखते ही देखते क्या हो गए, जो सारे हमारे गुलाम थे और ऐसे गुलाम के सवाल ही पैदा नहीं होता था इनके जागने के। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसा एजुकेशन सिस्टम रखा गया कि वो लोग पैदा हो जो हमेशा बरतानिया के गुलाम रहे। लबनान और शाम में इतनी बेहयाई फैलाई गई और औरतों को मिनी स्कर्ट पहना दिया गया कि हम लोग भी आजाद होकर वहां जाते थे। 1950-60-70 तक मिस्र, अलजजायर, शाम, लबनान फैशन के मराकिस बने हुए थे। कहा ये क्या हो गया कि देखते ही देखते 15 साल न सिर्फ ये कि हर एक आजाद हो गए, बल्कि इतना ताकतवर बन गए, इस्लामी तहरीकें इतनी ताकतवर बन गई। कहा यह खतरा जो रिचर्ड निक्सन कह के गया, 21वीं सदी में इस्लाम को किसी काबिल नहीं रहने देना। चुनाच उन्होंने 2 मरहलों का एक सिस्टम बनाया, कहा जब सन 2001 आ जाए तो दुनिया के तमाम ममालिक इस्लाम की बात करने वालों को इतना कमजोर कर देना कि जैसा 100 साल पहले थे। 1901 में अगर कोई इस्लाम की बात करता तो मजाक उड़ाया जाता, 1970 में कोई इस्लाम की बात करता था तालियां पीटी जाती। मुझे तो याद है ना, क्योंकि इनकलाब ईरान से पहले मैंने तकारीर शुरू की, ये तो दुआएं दे दुनिया हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह को और इस इनकलाब इस्लामी ईरान को, कि जिसकी वजह से लोगों में ये शौक पैदा हुआ। वरना मैं इस मामले में तो बाकायदा आई विटनेस हूं, बल्कि मैं खुद भी इस मामले में एक पार्टी कि सन 74 और 75 की तकरीरें भी मुझे याद। ऐसे ऐसे लोग जिनका पूरा घर आज इस्लाम का नमूना, मजाक ये उड़ाते थे, तोहमतें ये लगाते थे, बाइकाट ये करते थे, मजलिस के दौरान मुख्तलिफ किस्म के हंसी और मजाक के इशारे इनके चलते रहते थे, वो सारा माहौल देखा हुआ। मजलिस भी ऐसी कि जिसमें मजबूरन आना पड़ता था,
या किसी के ईसाल सवाब की मजलिस या चेहरुम की मजलिस, ये सब दिखा हुआ। ये इनकलाब इस्लामी ईरान और इमाम खुमैनी का मौजूदा। तो कहा कि दो मरहलों, एक अजीब बात, सन 2001 जब आए तो मुसलमान दोबारा उतना सो जाए जैसा 1901 में सोया था, और सन 2035 तक इस्लाम का नामो निशान मिटा देना। 40 साल का उसने बाकायदा पीरियड दिया था टाइम्स के उस मजमून लिखने वाले ने जिसने ये सारी चीजें लिखी थी कि सन 2035 हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम का आखिरी साल होना चाहिए, इसके बाद इस रूए जमीन पे कोई मुसलमान मुमलिकत नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ, अब बाकायदा जो लिखा जाता है वहां पे अमल होता, उसके मुताबिक काम शुरू हो जाता। तो बड़ा बड़ा खतरनाक मरहला सामने आ रहा, लेकिन इस्लाम के लिए इसलिए कोई मसला नहीं कि इस्लाम इससे ज्यादा सख्त और खतरनाक मरहले देख चुका। जब तक के नाम रिसालत बाकी, जब तक के मुसलमान के दिल में मोहब्बत रिसालत बाकी, खून के दरिया को उबूर करके मुसलमान यहां आया। ये लोग तो लिखते रहेंगे, इससे पहले भी बड़े बड़ों ने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, सबको मुंह की खाना पड़ी। वरना 1901 में बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस और हॉलैंड, इटली को शामिल करके ये 5 ताकतें जिन्होंने सारे मुसलमान मुल्कों पर कब्जा किया, पॉलिसी वही बना के बैठे कि मुसलमान कभी सर ना उठाने पाए। और आज हालत यह कि उनकी हुक्मरानों की नींद उड़ गई, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने यह रखा कि जितना कोई इसे दबाता और जितना इसमें जुल्म किया जाता उतना ही ज्यादा इस्लाम उभर के सामने आता। इससे पहले भी बड़े बड़े जालिम गुजर गए। और इसीलिए मैं एक बात मैं कह दू, ये बात अपनी जगह खुद तफसील तलब, इतना वक्त और मौका नहीं, आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन बहरहाल मेरी अपनी मजबूरियां, और वह यह कि बाज औकात बदतरीन जुल्म इस्लाम के लिए हयात नौ का पैगाम बनता। यह महफिल मुर्तजा जिसमें मैं आखिरी मरतबा उस वक्त आया था कि जब शहदा के खून यहां की दीवारों पर मौजूद थे, और जो भी वाकया हुआ, अब वाकयात को देखकर मुझे तारीख के वो सारे वाकयात याद आ गए जहां पर किसी भी शहीद की मौत ने इस्लाम और मजहब अहले बैत को एक नई ताकत अता की। जब माह शव्वाल के बाद से कल तक मैं पाकिस्तान न सही तो कराची से तो बाहर ही बाहर रहा, और ऐसे ऐसे इलाकों में गया जिसमें हज भी शामिल, कि सारी दुनिया के मुसलमानों और मोमिनों से मुलाकात का मौका हुआ। इस शहादत का जो रद्द अमल है, और इस शहादत में शहदा के खानदान के जाती नुकसान के बाद, वो तो एक नुकसान है, कोई चीज उसे पुर नहीं कर सकती सिवाय जाते परवरदिगार, जो मिल्लत को इसका फायदा हुआ। और वह जुल्म करने वाले जिस तरह से उनकी सफों में इंतजार पैदा हुआ, और जिस तरह से उनके असर और इख्तदार का उन इलाकों में खात्मा हुआ जहां वो नारा लगाते थे अना वाला गैर, तो कदम नहीं रख, इस खून नाहक का परवरदिगार आलम जो इंतकाम ले रहा है वो मैं देख के आया हूं। बहुत सी बातें मिंबर से बयान करने की नहीं, लेकिन जरूर यह हुआ कि जो इतने मुनज्जम बन के आए थे इस वक्त इस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए कि दुनिया का ना कोई कानून, ना कोई हुकूमत, ना कोई एजेंसी उनके बारे में वो बातें कह सकती। जब वो आपस में जो जूतियों में दाल बट रही है तो वो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। और सारी दुनिया में इस वाकये का जो रद्द अमल हुआ, मुझे मालूम है कि उसके नताइज कितना खसारा ही खसारा उनको बर्दाश्त करना पड़ा, और मंजिले पछतावे में है कि ये हमारी कितनी बड़ी गलती। और मैं अक्सर इसके हवाले से एक जुमला दुनिया में कह के आया हूं, जहां गया मुझसे कराची, पाकिस्तान, ईरान, लबनान और सारी दुनिया शहदा मुसलसल अपना खून दे रहे। इस्लाम एक ऐसा मजहब जो बहरहाल अपने मानने वालों से खून की कुर्बानी चाहता, लेकिन इन तमाम कुर्बानियों में जो अतराफ व अकनाफ आलम में दी गई, ये महफिल मुर्तजा की कुर्बानी की खसूसियत। और ये किसी हद तक अगर हमें इसकी मिसाल मिलती है तारीख इस्लाम, तो शाह खुदा बंदा के जमाने की मिसाल,
यानी चूंकि वो वाकया मैंने अक्सर खारदर और सोलह बाजार में पढ़ा, उसकी तफसील में गए बगैर और इस वक्त के हालात की तफसील में गए बगैर मैं किसी ऐसी बात को नहीं छेड़ना चाहता जो गलतफहमी का सबब बन जाए। एक मर्द मोमिन ईरान की जामे मस्जिद, ईरान दुश्मनी अहले बैत का सबसे बड़ा मरकज रह चुका, ये याद रखिए, नमाज पढ़ने आ रहा, लेकिन चूंकि हाथ खोल के नमाज पढ़ी तो मस्जिद में हालत नमाज में उसे शहीद किया गया। और इस शहादत ईरान वो इनकलाब बर्पा किया कि इसके बाद सारा ईरान मजहब अहले बैत के दायरे में आ गया। एक मर्द मोमिन के मस्जिद के खून में वाकया पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से जब यह खबर फैली तो ताज्जुब हुआ कि आखिर वो कौन गुनाहगार था जिसे मस्जिद में शहीद कर दिया गया। क्या होगा, वो कातिल होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा, मगर मस्जिद में शहादत। और जब कहा जी हां वो इतना ही बड़ा गुनाहगार था तो खुदा बंदे ने कहा इस तरह कैसे यकीन किया जाए। अल्लामा हिल्ली को बुलाया गया कि आपका मजहब क्या, और वो मुनाजरा अल्लामा हिल्ली ने किया जो आपको मेरे कैसीटों में मिलेगा, लेकिन असल तो किताबें पढ़ी। एक मर्द मोमिन के मस्जिद के खून, यकीनन उसका घर तो बेसहारा हुआ, यकीनन उसके बच्चे तो यतीम हुए, यकीनन उसकी बीवी तो बेवा हुई, लेकिन मजहब अक्का को इतना फायदा पहुंचा कि दुश्मनी अहले बैत का सबसे बड़ा मरकज ईरान, मोहब्बत अहले बैत का सबसे बड़ा मरकज बनकर आज सारी दुनिया को इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहा। यह एक मर्द मोमिन के मस्जिद के खून का नतीजा। शहादतें तो हमेशा से दी गई, लेकिन मस्जिद और अज़ा खाने की शहादत। और वाकान जैसा कि मैंने कहा, तारीख में मुझे इस वाकये की मिसाल उस वाकये से नजर आई जो इसके असरात में देख रहा हूं, उस खून नाहक के जो यहां पे बहाया गया। लेकिन यह वाकया अपने असरात के एतबार से बहुत ही ज्यादा इस्लाम के हक में फायदेमंद साबित हुआ। मुझे वो जुमला याद आ गया जो इमाम खुमैनी मुर्तजा मुतहरी की शहादत पे कहा था। मुर्तजा मुतहरी हर एक को मालूम, जिसके बारे में खुमैनी कहते हैं मुतहरी मेरा बेटा है और मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का नतीजा। वो शहीद किया गया इमाम खुमैनी की जिंदगी में। अजीम मर्द अजीम हर एक को मालूम। तो कहा इमाम खुमैनी के बारे में लोगों का ख्याल था कि ऐसे शागिर्द की शहादत। इमाम खुमैनी जहनी एतबार से परेशान तो हो जाए, लेकिन अजीब जुमला था उनका, कहा कि जितनी भी मोहब्बत, बहरहाल हमें मालूम कि एक दिन मुतहरी को इस दुनिया से जाना ही जाना था, यानी जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहे, लेकिन इस शहीद हो जाने वाले की मौत अगर बिस्तर पे आती, मौत तो आना थी, इस्लाम को वो फायदा कभी ना मिलता जो इस तरह से मिला था। शोहदाए राह हक अगर वो शहीद ना किए जाए तब भी कभी तो मौत आएगी, लेकिन एक बिस्तर की मौत होती। खानदान को नुकसान वही होता, लेकिन ना कोई फायदा खानदान को होता है, ना मरने वाले को होता है, ना दीन को होता। और एक वक्त में मौत आए शहादत की मौत, खानदान का उतना ही नुकसान हुआ जितना नुकसान बिस्तर की मौत का होता, मगर इस्लाम को फायदा होता, मगर दीन को एक जिंदगी मिलती। यह पैगाम जो उस मासूम ने हमको पहुंचाया जिसकी विलादत की मुनासिबत रसूल के साथ, कि जब तक मेरे मानने वाले इस मेरे पैगाम के लिए अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे, अजीब जुमला, वो भी खैर और बरकत के साथ रहेंगे और दीन भी ताकतवर रहेगा। और जब उन्होंने जान देना बंद कर दी, खाली दीन ही को नहीं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। उल्टी बात है ना, हम तो समझते हैं शहादत में हमारा नुकसान है दीन का फायदा होगा, इमाम ने कहा नहीं तुम्हारा भी नुकसान। यह हदीस शहीद बाकरे सदर अपनी एक किताब के आखिर में लिखी है, बहुत ही मुख्तसर, तशय्यो की तारीख या मसला विलायत, तीन चार नाम से छपी। इमाम भी यही फरमाते हैं जिनकी विलादत की आज मुनासिबत, शहादत जरूरी, क्योंकि यह जश्न उन शुहदा को एक खिराज अकीदत पेश करने के लिए भी कि जिन्होंने राह हक में अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो यह याद रखिए कि यह शहादतें और रसूल और इमाम के नाम पे शहादत, वह यही वो चीज
शहादत देने को खुशी से कौन तैयार होता जिसके दिल में मोहब्बत रिसालत भरी। एक आदमी शहीद हो गया उसका खानदान कब उसकी शहादत पे फख्र करेगा अगर उनके दिल में मोहब्बत रिसालत टूट के भरी। खाली किताबी बातें नहीं अमली बातें। इसी शहर कराची और इसी महफिल मुर्तजा से 2 या 3 मील के फासले पर आज से 11 साल पहले मेरी मुलाकात उस मोमिना से भी हुई थी। बहुत सारे उलमा और तालिब इल्म थे। वो ज़ईफ खातून जो 70 साल से ज्यादा की उम्र थी और जिनके 7 जवान बेटे इनकलाब इस्लामी के आगाज या दौरान शहीद हुए थे जिनमें बड़े बेटे की उम्र 34 साल थी और सबसे छोटे की 18 साल। पूरा खानदान एक तरह से खत्म होकर रह गया। जो बड़े 2 या 3 बेटे थे वो साहिब औलाद भी थे। 7 बेटे 18 साल से 34 साल के और उनमें वो भी कि जो अपने छोटे छोटे यतीम छोड़ के गए थे लेकिन रो रही थी हजारों कतार रो रही थी। ये मैंने इसलिए कहा कि आपको मेरे पहला जुमला सुन के तवक्को होगी कि मैं कहूंगा कि बड़ी मुतमइन थी लेकिन वो रो रही थी। फितरी बात समझ में आ रही थी इसीलिए किसी ने नहीं पूछा लेकिन किसी ने पूछ भी लिया क्या है शहदा के काबिले फखर मां आप रो क्यों रही। वो तो शहादत थी। कहा मैं इसलिए को थोड़ी रो रही मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मेरा कोई 8वां बेटा क्यों नहीं था। इस दीन के लिए हर आदमी की तमन्ना होती है ज्यादा से ज्यादा अपनी महबूब हस्ती में खर्च करें। देखिए बाप को बेटे से मोहब्बत है बेटे की फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करने के दिल चाहता है कि अपने आप को बेच दे। एक मंजिल आती है बेटा कुछ मांगता है बाप पूरा नहीं कर पाता बाप का दिल रोता। वो कह रही मैं इसलिए रो रही कि इस्लाम के लिए फकत 7 खून मेरे खानदान से क्यों गए काश मेरी कोई और औलाद भी होती। पाकिस्तान के माहौल जहां एक शहादत बाप और मां को खत्म करके रख दे। बड़ी अजीब बात थी 7 जवान बेटे की मां और 8वां बेटा न होने पर रो रही। जवाब वही दिया कि जो बहरहाल हमारे दीन की असास। सवाल पूछा गया 7 बेटे शहीद हो गए फिर भी उसका सदमा नहीं। तो सदमा किस बात का मेरे 7 के 7 बेटे मिलकर अकबर के पांव की खाक के बराबर भी ना थे। जिस इस्लाम के लिए अकबर शहीद किया जा सकता मेरे बेटों की क्या हैसियत। ये अहले बैत अथार का कितना बड़ा एहसान। ये बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए हमारे दिल का मरहम अहले बैत अथार की सीरत में मिल जाता। और मेरा 6ठा इमाम यही कह रहा कि हमेशा हमारे मानने वालों का यही तरीकाकार रहना चाहिए। लेकिन यह तरीकाकार कब रहेगा जब दिल में रसूल आले रसूल की मोहब्बत। अगर मोहब्बत खत्म हो जाए तो हर कुर्बानी एक बोझ लगेगी। हम क्यों अपनी जान दें। क्या हमारा बच्चा माजल्ला फजूल का। हम क्यों अपने बच्चों को कटवाएं। वो क्यों अपने बच्चों को नहीं कटवाता। जब मोहब्बत ना हो तो यह ख्याल आएगा और मोहब्बत हो तो फख्र हो। बस यही सबब है कि कुरान शुरू में कह के गया मोहब्बत रसूल के मसले पे नो कंप्रोमाइज कोई मुसालियत नहीं हो सकती। इस्लाम हर चीज को बर्दाश्त कर सकता लेकिन शान रिसालत में कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह कि हमारे दुश्मनों ने गुर की यह बात पहचान ली कि अगर इस कौम को खत्म करना तो बमों के धमाके से खत्म नहीं हो सकती और इनका जज्बा बढ़ जाए। मस्जिदों और इमाम बारगाहों इनके बच्चों को शहीद करने से यह कौम खत्म नहीं हो सकती। इसलिए कि मस्जिदों की शहादत तो इस कौम को एक नई जिंदगी देती है। रिसालत और रसूल के आल इनके दर्जी और मर्तबे को कम करो। और इस दर्जी और मर्तबे को कम करने के लिए हर इलाके के एतबार से नया तरीकाकार मुंतखब किया गया। मैं बार बार टाइम्स 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 का हवाला दे रहा हूं। बस मेरे आखिरी जुमले सुन लीजिए। वाकान आज मैंने आपका वक्त खासा ले लिया बस ये आखिरी जुमले। और वो ये कि शान रिसालत में कमी के लिए वही एक तरीका इख्तियार नहीं किया गया जहां से आज की महफिल शुरू हुई। एक दूसरा तरीका भी इख्तियार किया गया जिस पर आज की महफिल खत्म हो रही। यह पहला तरीका मुसलमानों के कुछ और फिरकों के लिए और यह दूसरा तरीका हमारे लिए। पता कि मुहिब्बान अहले बैत के दरमियान रसूल वाले रसूल की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं हो सकता। अकीदे के एतबार से ये इतने मजबूत हमारे लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया गया। और वो क्या किया तरीका इख्तियार किया गया। एक हदीस रसूल सुन लीजिए जिसका ताल्लुक
इस मौजू से है कि आखिर रसूल अर्श बरी से फर्श जमीन पे क्यों आए, नूर की महफिल को छोड़ के हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान आके क्यों बैठे, कौन अपने आप को जहमत में डालना चाहता है, रसूल क्यों आई यहां पर। एक सवाल, रसूल के दुनिया में आने का मकसद क्या। हमने जश्न मनाया 70 रबीउल अव्वल कि रसूल इस दुनिया में आए, अब सवाल है कि क्यों आए। मकसद बेसत रिसालत, कुरान की मुख्तसर आयत से लेकर हजार हजार सफे तक की किताबें इस मौजू पे लिखी गई और खुद कुरान ने भी मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से रसूल के कई मकासद बयान किए, खुद पैगंबर की जबान पर भी अपनी बेसत के कई मकसद आए मौके महल के एतबार से, क्योंकि रसूल जैसी जात फकत एक मकसद के लिए तो नहीं आई। लेकिन उनमें से एक बड़ी अजीब हदीस, बहरहाल इनकलाब इस्लामी का एक एहसान यह भी कि उर्दू जबान में भी इन मौजूआत पे किताबें छपी। 1976 में जब मैं सोल्जर बाजार के इलाके में गैना के मौजू पे तकरीर की थी, मुझे अब तक याद है कि नजफी हाल की तासीस से पहले का वाकया, दर्द का वो सिलसिला जिसके बाद उस दर्द में आने वालों ने सोचा कि एक अलग मरकज नजफी हाल बनना चाहिए, उससे पहले की तकारी और ये हदीस पढ़ी थी। तो एक ऐसी हदीस थी कि जिसको बहुत से मोमिनीन ने मानने से इंकार कर दिया, रसूल सारी कायनात के सरदार, 1,24,000 अंबिया के सैयद, इतना बड़ा दीन लेके इतने छोटे मकसद के लिए, और कहने वाले की निगाह में बहुत छोटा मकसद था, हवाला दिया लेकिन हवाला अरबी किताब का था, दूसरा हवाला दिया फारसी किताब का था। लेकिन इनकलाब के बाद जहां बाकी बेदारी आई वहां कुतुब बीनी का शौक पैदा हुआ। अब गुनाहाने कबीरा ये शहीद दस्ते गैब शिराजी की शोरा आफाक किताब वो छप गई, उसमें जहां 15 या 16 नंबर का गुना गाना बजाना वहां यह हदीस मौजूद। अब मुझे यह मसला कहीं नहीं होता कि आप इतने बड़े रसूल के, इतने बड़े इस्लाम को इतनी छोटी चीज में बयान कर रहे हैं। पूछा गया है अल्लाह के रसूल आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है, कहा परवरदिगार मुझे दो चीजों को इस दुनिया से खत्म करने के लिए भेजा। मैंने बताया कि और भी कई मकासिद बयान हुए लेकिन एक ये भी हदीस, दो चीजें। और क्या दो चीजें, पहली तो हर एक की समझ में आ जाती, दूसरी किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए कि पहली काम से कोई ताल्लुक नहीं और दूसरी हर वक्त हमारी जिंदगी में दाखिल। तो जो चीज अपने आप पे हिट करती है उसे कौन बर्दाश्त करेगा। कहा पहली चीज बुतों को तोड़ने के लिए, बुतों का खात्मा करने के लिए। हां यह मकसद हर एक की समझ में आ गया, बुत परस्ती और बुत सनम अल्लाह का रसूल इन्हें खत्म करने आया। और कहा दूसरी चीज गाने बजाने के आलात को खत्म करना। का इतना बड़ा रसूल ये सारे अंबिया की सारी रिसालत की मेहनतों के बाद कायनात का सबसे बड़ा पैगाम लेके आया, ये गाना बजाना जो हमारे घरों में 24 घंटे होता है इसका कोई ताल्लुक है रिसालत। जी हां इसका भी ताल्लुक। और ऐसी हदीस मैं हवाला भी इसीलिए दे रहा हूं कि सन 76 वाली बात 1995 में ना होने पर जाके देख ली, ये पैगंबर के ये जुमले हैं कि गाने बजाने के आलात का खात्मा करना मेरा उसी तरह से मकसद जिस तरह बुतों का खात्मा करना मेरा मकसद, दोनों को बराबर करार दे रहे। पैगंबर ने बुतों का खात्मा कर दिया इस तरह कि अरब के वही सारे काफिर जो बुतपरस्ती करते थे बुतों को खत्म कर बैठे। लेकिन गाने बजाने का खात्मा कुछ इस तरह हुआ कि उस जमाने के गाने बजाने के आलात गालिबन किसी टेक्निकल गलती की बिना पे आज के हर मोमिन के घर में आ गए, वो निकाले जा रहे थे दुनिया। आज का मोमिन इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं। अब अगर आप मेरी वो तकारीर याद करें जो 2 साल मैंने यहां भी रमजान में और इसके अलावा भी जो साल में होती रही, मैंने ये अर्ज किया कि कुछ सोच समझ के मगरिब के लोगों ने सैटेलाइट डिश एंटीना, अब तो केबल टीवी भी गालिबन पाकिस्तान में आ रहा, और इन तमाम चीजों पे लाखों नहीं करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, जबकि आज इसमें से बहुत सारे चैनल कमर्शियली
वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहे लेकिन चल रहे हैं। तो सोच समझ के एक मरतबा ये माहौल बनाया गया। अल्लाह का रसूल भी अगर कहता है कि मैं गाने के आलात को खत्म करने के लिए आया हूं तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद, ये गाना बजाना कोई इतना ही बड़ा गुनाह बनता। और आज जो सारी मगरबी दुनिया ये ऐलान कर चुकी है कि 40 साल में इस्लाम का नाम और निशान मिटा देना, और इसके लिए वो हमारे तमाम मुसलमान मुल्कों को डिश एंटीना और गाने बजाने में लगा रहे, कोई जरूर रब्त है इन बातों के अंदर, जरूर इन बातों के अंदर कोई इस किस्म का इल्लत व मालूल का रिश्ता है। अब बात बहुत ही आसान है, रसूल का मकसद आपने सुना, बस ये आखिरी हदीस थी रसूल की जिसपे आज की गुफ्तगू खत्म करना। लेकिन चूंकि ये 17 रबीउल अव्वल इमाम की विलादत की रात, अब इमाम की भी हदीस सुन लीजिए, अब बात खत्म। कि जब सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हदीस इरशाद फरमा रहे हैं जिसमें शैतान के बारगाह इलाही से मर्दूद बन के निकलने का तस्किरा। मुझे मालूम है कि मर्दूद के माने खुद निकलने के हैं लेकिन लफ्ज इस तरह लोग नहीं समझेंगे। जब मर्दूद होने और बारगाह इलाही से निकलने का तस्किरा एक हदीस, तो शैतान जाते जाते बहुत सी बातें मांग कर गए। किस वजह से? वो जो इबादतें इतने साल की है उसका बदला मांग। अब देखिए इमाम फरमा, शैतान ने उसमें एक डिमांड ये कर दी कि आए खुदा तूने आदम को भेजा और आदम को अजान दे के भेजा, अजान और नमाज तरीका कार मुख्तलिफ होगा लेकिन ये हमेशा इस दुनिया में रही, यानी शरीयतें बदलती रही लेकिन नमाज का हुक्म हर शरीयत में रहा शुरू से आखिर तक, और नमाज में भी खुसूसन सुबह की और मगरिब की नमाज। हमारी मस्जिदों में जितना मगरिब में रश होता उतना ही मामला सुबह में ठंडा रहता। ये आधी आधी जो चीज है ना, अभी आपने सुना दो चीजें रसूल का मकसद, बुतों को हमने निकाल फेंका, गाने को हमने बुला लिया, मगरिब और सुबह की नमाज। पैगंबर ने भी ऐलान रिसालत के बाद जो पहली इबादत लोगों के सामने पेश की इस्लाम, वो नमाज। लेकिन दो नमाज, एक सुबह की एक मगरिब। अलबत्ता जितना मजमा सुबह में रहता था उतना ही मगरिब में रहता था, तीन आदमी होते थे, अल्लाह का रसूल, खदीजा ताहिरा, मौला अली। जो इस्लाम की पहली नमाज इस दुनिया में पढ़ी गई है यही तीन नमाजी, सुबह में भी और मगरिब में भी, अटेंडेंस बराबर थी। हमारे यहां हर हदीस का आधा हिस्सा ले लेते हैं आधा छोड़ देते हैं। काफिर उसे कहते हैं जो हर चीज को छोड़ दे, मोमिन उसे कहने लगे जो आधा ले ले और आधा छोड़ दे। लेकिन खैर, तो अजान और नमाज, अब तो सुना है कि माशाल्लाह महफिल मुर्तजा में भी नमाज सुबह में बड़ी रौनक होने लगी। परवरदिगार मोमिनीन को और तौफीक अता करे कि और ज्यादा कसरत के साथ इस नमाज सुबह की अहमियत को समझ गया। इस्लाम में ये दो नमाजें फजर और मगरिब पहले दिन से वाजिब हुई, बाकी तो मेराज का वाकया है, कुछ और वाकयात, ये दो नमाज। आदम को भेजा गया नमाज और अजान के साथ, शैतान ने कहा कि है खुदा ये आदम को तो तूने अजान दे दी, यानी वो आवाज जिससे आदम लोगों को तेरी तरफ बुलाएंगे, तो मुझे भी कोई ऐसी आवाज दे कि जिससे मैं लोगों को अपनी तरफ बुलाऊं। कहा तेरे लिए भी अजान बनाई जाती, आदम की अजान अगर वो तो तेरी अजान है तमाम गाने बजाने की आवाज। देखिए वो रसूल की हदीस के मैं इसको खत्म करने भेजा गया, ये छठे इमाम की हदीस के शैतान ने पहले दिन मुतालिबा किया कि मुझे कोई अजान दी जाए। कहा तेरी अजान है मौसीकारों की आवाज, तेरी अजान है गुलूकारों की आवाज। ये हदीस मुकम्मल करके आखिर में इमाम ने एक जुमला अपनी तरफ से इरशाद फरमाया। ये तो था खुदा और शैतान का मुकालमा, इन दोनों का डायलॉग। अब इमाम की बात सुनी, पूरी हदीस के बाद इमाम कहते याद रखो, याद रखो, जो जिसकी आवाज की तरफ जाता है वो उसी की इबादत करता, जो जिस आवाज की तरफ जाता है वो उसकी इबादत करता। अब जो अल्लाह की आवाज की तरफ जाएगा वो अल्लाह की इबादत कर रहा, और जो शैतान की आवाज की तरफ जाएगा वो शैतान की इबादत कर रहा। इससे ज्यादा बदकिस्मती का कोई दिन मोमिन के लिए हो नहीं सकता कि वो शैतान को माबूद बना ले और खुद शैतान का आबिद बन जाए। हमारा माबूद सिर्फ एक है, वो जाते वाहिद। लेकिन इमाम का ये कहना
कि अल्लाह ने ये आवाज शैतान को अजान बना के दी और रसूल की बात समझ में आ जाती है। रसूल इस दुनिया से शिर्क और कुफर को खत्म करने आए। शिर्क का हवाला बन गया बुतपरस्ती, कुफर का हवाला बना हालात है ना, ये वो है जो लोगों को शैतान की तरफ ले जाते। अल्लाह का रसूल शैतान के रास्ते को काटने के लिए आया। गाने को छोटी चीज ना समझिए, ये इंसान को शैतान के रास्ते में खुद ब खुद चला देता। और यही वजह कि आज सारी दुनिया का इत्तेफाक कि मुसलमान माशरे को तबाह करना है तो पहले उसमें गाने बजाने की चीजों को इतना दाखिल कर दो कि इनकी एक शादी भी अगर हो। रबीउल अव्वल का महीना शादियों की बहार का महीना, हम रहमत खुदा शादी से ज्यादा किस मौके पे मांगेंगे? लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहां सबसे ज्यादा हमको रहमत चाहिए वहीं पे ये गाने बजाने आ जाते। फिर भी ऐसे लोग, अभी दो दिन पहले एक निकाह हुआ पूरा इस्लामी तरीकों से, खुदा यकीनन उस दूल्हा और दुल्हन की आइंदा सारी जिंदगी को इस वजह से कि उनकी शादी और जिंदगियों का आगाज उसके हुक्म सुन्नत रसूल और सीरत अहले बैत पे हो रहा, सारी जिंदगियां उनको हर आफत और तबाही से बचाएगा और बरकत अता करेगा, और जहां जहां इस चीज का ख्याल रखा जा रहा। लेकिन उन्हें भी यह तौफीक मिले जो रसूल और इमाम के मकसद को भूल कर अपने हाथों से अपनी औलाद की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। और औलाद की जिंदगी का अहम तरीन मरहला शादी, उसका आगाज शैतान की इबादत से कर रहे हैं। हमारी सारी दुआएं उनके लिए जो पूरी पाबंदी शरीयत के साथ शादी करते, मगर इनके लिए भी इस दुआ को बढ़ाकर कि खुदा इनको इतनी तौफीक अता करे कि कम अज कम खुशी के इन अहम तरीन मौकों पर यह आले मोहम्मद को अपने घरों से निकाल के शैतान को ना बुला। हदीसे किसा पढ़ के आले मोहम्मद को बुलाया जाता है, अभी वो आके बैठे भी नहीं कि उठा दिया जाता, जाइए मौला आपका काम हो गया, अब आप तशरीफ ले जाइए। अब तो उसे बुलाना है जिससे हमें कोई मकसद और मसला है। खुदा ना करे कि कभी ऐसा देना। खुदा तौफीक दे साहिबान ईमान को कि उनकी आंखें खुले और वो ये महसूस करे कि 17 रबीउल अव्वल की विलादत का तकाजा जहां ये झंडियां लगाई जाए, लाइटिंग की जाए, लोग वर्किंग डे में रात के इस हिस्से में इन हालात में यहां पे आए, वहां ये भी सोचे कि जिस मकसद को लेके रसूल आया हमारे अपने हाथों से इस मकसद को नुकसान न पहुंचे। हां अगर कभी शैतान हमें बहका दे तो 17 रबीउल अव्वल का ये पैगाम भी तो है कि आज तुम उसकी विलादत का जश्न मना रहे जो शफीउल मुज़निबीन है। कायनात के बड़े से बड़े गुनाहगार को अगर शफात रसूल और आले रसूल मिल जाए तो क्या कहना, और इससे बेहतर मौका क्या होगा कि जिस रसूल और आले रसूल की विलादत की खुशी में हमने ये जश्न मनाया उसी का हवाला दे के बारगाह इलाही में दस्ते दुआ बुलंद करे कि परवरदिगारा तेरा लाख लाख एहसान कि हम जैसे गुनाहगारों और हम जैसे खताकारों के लिए अपनी इस हुज्जत को, अपने इस हबीब को और उनकी औलाद के उस सादिक इमाम को इस दुनिया में भेजा तो हमें यह तौफीक भी अता फरमा कि हम सुन्नत रसूल और सीरत इमाम सादिक में बिनवान अमल करें। लेकिन ऐ खुदा अगर कभी अपने ईमान की कमजोरी और शैतान के वरगलाने से हम राह हक से हट जाएं तो बस जो अकीदा हमारा रसूल वाले रसूल के बारे में, इस शफीउल मुज़निबीन का वास्ता हमारे इस तमाम इस गुना और हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगारा बादशाहों का तरीका कार होता है खुशी के मौके पे कैदियों को आजाद करना। आज तेरा हबीब इस दुनिया में आया, इतनी बड़ी खुशी कहां हो? उस हबीब का बेटा इस दुनिया में आया, उस हबीब की खुशी का क्या मंजिलत होगी? परवरदिगारा तो जवाब था इन खुशियों का। हम में जो किसी मुसीबत या परेशानी के कैद में गिरफ्तार है उनकी मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा। जो बीमारी के कैद में मुब्तला है उनकी बीमारियों को दूर फरमा। जिनको औलाद की कोई परेशानी है उनकी औलाद की इस परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा हम में जो रिस्क की किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमी खुदा ना खास्ता अगर किसी अजाब में मुब्तला है तो इस खुशी के मौके पर उनको उस कैद अजाब से नजात दिला। परवरदिगारा
तुझे वास्ता रसूल और औलाद रसूल में से उस मासूम का कि जिसकी विलादत का ये जश्न है, हमें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, हमें इनकी सीरतों पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जहां जहां आज भी मुजाहिदीन रसूल और आले रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, खुसूसन कश्मीर और चीचनिया और बूजनिया के मुसलमानों को कामिल फतह नुसरत अता फरमा। और परवरदिगार इस खुशी को मुकम्मल करने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत और इन्हीं मासूमीन के वारिस और फर्जंद इमाम जमान के जुहूर में ताजील फरमा। मैं तमाम आलम इस्लाम, तमाम अहले ईमान